हमने पहले कुछ दो वीडियोस में खराटों के बारे में डिस्कशन किया कि खराटे कब सिवियर होते हैं और किस प्रकार के खराटों को हमारे को जांच करवानी चाहिए। सेकेंड वीडियो में हमने बताया था कि इसकी होम स्लीप टेस्टिंग कैसे होती है। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी सिंपल टिप्स जो अपने आप इंसान कर सकते हैं ताकि खराटों की वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसमें कुछ पहले तो समझिए कि क्या रीज़न है जो ये बढ़ गए हैं। तो अगर पता चलता है कि अल्कोहल बहुत लेने से बढ़ जाते हैं तो उसको अवॉइड करिए। अगर आप कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं वो भी गले के मसल्स को लूज़ कर देंगे और साउंड ऊंचा हो जाएगा, उसको अवॉइड करिए। और स्लीपिंग पिल्स का मैं कहना चाहूँगी अगर बहुत देर से ले रहे हैं तो प्लीज़ किसी डॉक्टर की सलाह के साथ ही बंद करिए, अपने आप बंद करने की कोशिश नहीं करिए। स्मोकिंग एक और चीज़ है जो कि खराटों को बहुत ऊंचा कर सकती है, उसको अवॉइड करें। कोई नेज़ल स्टफिनस, नेज़ल एलर्जी लगती है तो उसको एलर्जी के लिए ट्रीटमेंट। अगर आप वज़न बहुत बढ़ गया है रिसेंटली तो अपने वेट के ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए ताकि वेट को वापस लाइए। अगर लगता है कि मैं जब सीधा सोता हूँ तब सबसे ज़्यादा होते हैं तो करवट में सोना शुरू करिए। तो इन सब चीज़ों से जो स्नोरिंग की जो वॉल्यूम बहुत ऊपर हो गई है वो डेफिनेटली नीचे हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं जो ब्रीदिंग की, टंग की, थ्रोट की, वो आप शुरू कर सकते हैं। उसमें से प्राणायाम हेल्प करता है, उज्जयी ब्रीदिंग हेल्प करती है और कुछ आसन्स हैं जो स्पेशली थ्रोट से बहुत आवाज़ निकालते हैं जैसे कि सिंहासन और सिंघा बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से स्नोरिंग की वॉल्यूम कम हो जाएगी। पर मैं फिर एम्फसाइज करना चाहूँगी कि अगर स्नोरिंग के साथ चोकिंग बहुत है और दिन में बहुत थकावट है तो प्लीज़ स्लीप एपनिया को ज़रूर अपने माइंड में रखिए और इसकी जांच करवाइए ताकि आगे चल के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बच सकें जो कि अनट्रीटेड स्लीप एपनिया के रिज़ल्ट हो सकते हैं। थैंक यू।